हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में हर महिला हर लड़की सावन के त्यौहार में अपने हाथों में मेहंदी रचती है। हर लड़की को शौक होता है मेहंदी की रचने का, लेकिन बहुत सी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मैं प्रेगनेंसी के दौरान मेहंदी लगा सकती हूँ। वो काफ़ी असमंजस में होती हैं कि मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं, तो आज मैं यही इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं। कुछ जगह ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेहंदी लगाना या ज़्यादा साज सज्जा करना या बाल कटवाना ये सब नहीं किया जाता है, और वहीं कुछ जगह प्रेगनेंसी के दौरान मेहंदी लगवाना शुभ भी माना जाता है। यहाँ तक कि गोद भराई में वो मेहंदी लगवाती हैं। तो ये तो हो गई अपनी अपनी परंपरा की बात। वैसे तो मेहंदी लगवाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। और हाँ, अगर आपके यहाँ परंपरा है कि मेहंदी नहीं लगवाई जाती है, तो उस परंपरा को आप निभाएं, क्योंकि अगर जैसा आपके यहाँ शुरू से चला आ रहा है तो वैसा आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगाएंगी तो ज़िंदगी भर नहीं लगाएंगी। उस समय मत लगाइए, प्रेगनेंट जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी आप आराम से लगवा सकती हैं। तो कुछ दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। और अगर आपका मन है बहुत मेहंदी लगाने का, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें और मेहंदी लगा सकती हैं। जैसे जो मार्केट में कौन आती है या केमिकल्स युक्त मेहंदी आती है, उनका प्रयोग ना करें। उनमें काफ़ी केमिकल्स मिले रहते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी स्किन होती है, त्वचा होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है। छोटी से छोटी चीज़ का रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए आप ये जो मेहंदी है मार्केट वाली, इसका इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह प्राकृतिक मेहंदी का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक मेहंदी, या तो आप सीधे जो खुली हुई मेहंदी पाउडर आता है उसको आप ले लीजिए और घर पर अच्छे से फेंट कर घोल करके आप उसको लगा सकती हैं। या अगर आपको मेहंदी की पत्तियां कहीं मिल जाती हैं, जो पेड़ पर मेहंदी लगी होती है उसकी पत्तियां अगर मिल जाती हैं, तो आप उसको पीस करके पाउडर बना करके फिर उसका बढ़िया पेस्ट बना करके हाथों में उसको रच सकती हैं। लेकिन जो कॉर्न वाली मेहंदी आती है, उसमें बहुत हार्ड केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके लिए सेफ नहीं होते हैं। तो अगर आप इस रक्षाबंधन मेहंदी लगाना चाहती हैं तो आप ये मेहंदी लगाएँ। कौन वाली मेहंदी ना लगाएं मार्केट की, वो आपके लिए नुकसान कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, या चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।